छुट्टी जा रहे थे तो ट्रेन से उतरने के टाइम में ट्रेन के नीचे गिर गई, इसी में मेरा दोनों पैर कट गया। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर हर रिश्ते में बंधी ये दुनिया सारी, हर पग को जो रोशन करे वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन जिस दिन महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, एक ऐसा दिन जिस दिन उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है और इस समाज में उनकी जो छवि है उन्हें रोशन करने की कोशिश की जाती है। इन्हीं प्रयासों के बीच आज हम आपके समक्ष एक कहानी लेकर आए हैं जो कटिहार जिले से है। दरअसल कटिहार की विभा कुमारी की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि आजकल के समाज में कुछ अभी भी ऐसी अबला नारियां हैं जो समाज में अलग हटकर कुछ करना तो चाहती है लेकिन उनके अंदर झिझक होती है, शर्म होती है, लाज होती है और उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्या है विभा कुमारी की ये प्रेरणादायक कहानी, आपको सुनाते हैं। महिला सशक्तिकरण की नई रोल मॉडल है कटिहार की सिपाही संख्या 608 यानी कि विभा कुमारी। विभा की कहानी वाकई उन महिलाओं के लिए बेहद प्रेरक है जो आज भी अपने आप को अबला समझते हुए समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपनी पहचान तो बनाना चाहती है मगर अपने झिझक और लाज और डर के कारण सफल नहीं हो पाती। कटिहार पुलिस लाइन चाइल्ड केयर यूनिट में मुख्य संचालिका की जिम्मेदारी संभालने वाली विभा मूल रूप से नालंदा जिले से है। साल 2015 से भी विभा बीएमपी में 7वें पद स्थापित है मगर 7 दिसंबर साल 2019 में एक हादसे ने विभा के अरमानों पर ब्रेक लगा दिया था। दरअसल कटिहार बीएमपी 7 में छुट्टी में अपने घर लौटने के दौरान बख्तियारपुर जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से विभा का दोनों पैर कट गया था जिसके बाद अचानक विभा की दुनिया ही मानो लुट गई हो। मगर इस जानबाज महिला सिपाही ने हिम्मत नहीं हारी और लंबे दिनों तक इलाज के बाद वो एक बार फिर लौटकर ड्यूटी में आई और इस बार भी वो बीएमपी 7 के चाइल्ड केयर यूनिट में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण महिला सिपाही अपने बच्चों को देख रेख नहीं कर पाती या संभाल नहीं पाती है। विभा ने सिर्फ एक जिम्मेदार सिपाही की तरह अपनी ड्यूटी निभाई है बल्कि बच्चों की मौसी बनकर उन लोगों का देख रेख भी करती है। महिला सिपाही कहते हैं कि ड्यूटी के साथ साथ बच्चे संभालने में बड़ी परेशानी होती थी मगर अब कमांडेंट के पहल से चाइल्ड केयर यूनिट बनने से बेहद आसानी हुई है। और जहां तक विभा की बात है, इतने बड़े हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुकी विभा अपने हौसलों के साथ अपनी जिम्मेदारी पर डटी हुई है, इसलिए वो लोग निश्चिंत रहते हैं मानो उनके बच्चे अपने मौसी के पास है। सच में महिला दिवस की विशेष अवसर के लिए विभा एक रोल मॉडल है जिसके सहारे नारी की नारायणी वाली रूप निखर कर समाज के सामने आई है। इसके अलावा विभा कुमारी से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की है, आप पहले सुनिए। छुट्टी जा रहे थे तो ट्रेन से उतरने के टाइम में ट्रेन के नीचे गिर गई, इसी में मेरा दोनों पैर कट गया। ये कब हुआ? 7 दिसंबर 2019। अच्छा, ये उससे पहले आप किस, उससे पहले ही विभाग में आ गए थे? उससे पहले ही 2015 में ही ज्वाइनिंग किया है। किस पद में सिलेक्शन होता? सिपाही में। सिपाही में। और उसके बाद कैसे फिर अपने आप को उबारे, कैसे संघर्ष करके कैसे खड़ा हुए फिर आपने? बहुत संघर्ष करना पड़ा। जख्म ठीक होने के बाद प्राकृतिक पैर तो चला गया, उसके जगह पर कृत्रिम पैर लगा रखी थी, सेल पैर। इसी के सहारे धीरे धीरे प्रयास के चलते रहे हैं। दोनों पैर? हाँ, दोनों पैर कट गया था। कहाँ हुआ था? बख्तियारपुर जंक्शन। तो ट्रेन से उतरने के टाइम हुआ जी। अभी कहाँ पर पोस्टेड है? बिहार सैन्य पुलिस आद कटिहार। क्या काम लिया जाता है? काम क्या करते? चाइल्ड केयर में बच्चे को देख रेख करना है। ड्यूटी के दौरान जो महिला रहेगी वो बच्चा छोड़कर यहाँ जाएगी, उसको देख रेख करना है, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी
देख उसी समय हमको ड्यूटी अपना करेंगे, हम यहाँ बच्चा देख रेख करेंगे। तो बंदूक संभालने आए थे और यहाँ अपने ही जो कलीग्स हैं उन लोग को बच्चे को संभाले, कितना संतुष्ट है काम से, कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो है, अब जो विधाता का मेरा लिखा हुआ वही हुआ, तो इस लायक भी उनका अभी भी पूरे पहले की तरह जुनून है कि पहले की तरह हम चले बोलें काम करें। एक महिला दिवस है, महिलाओं के लिए बड़ा दिन है, क्या संदेश देना चाहिए महिलाओं के लिए? अक्सर महिला अपने आप को अबला समझती है, कमजोर समझती है, कैसे क्या संदेश देना? अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो भी परिस्थिति अपना संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या महिला सिपाही 608 विभा कुमारी। तो वाकई आज के समाज में जहां लोग अपने हौसलों को खो देते हैं कई सारे हादसे के शिकार होने के बाद उनके हौसले बुलंद नहीं रह जाते, उन सब के बीच विभा कुमारी वाकई एक प्रेरणादायक स्त्री है जिन्हें देखकर आज भी दूसरी नारियां कुछ सीख सकती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।